की थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूँगी। अब्बा को तुमने नहीं देखा? पूरी जिंदगी उन्होंने सरकारी नौकरी की है, लेकिन फिर भी आज तक उनको मोहल्ला क्या कहता है? अकबर परचून वाला। बहुत ज्यादा नहीं बोल रही तुम, वो भी इतनी बेशर्मी से। क्या कर लेगा? ज़ाया हो जाएगी मेरा तो। क्या करेगा? मारेगा, मार ले। लेकिन मैं पहले से ही सबको बता रही हूँ, एक परचून वाले के घर में मैं पैदा हो गई हूँ, लेकिन किसी परचूनिया की घर वाली नहीं बनूंगी। झूठी थी मैं, झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। अरे बेटा, आपको पता है कि हम यहाँ किस लिए आए हैं? हमारे उस मुरझाए हुए घर को सरसब्ज तुमने करना। जी, मैं अपने घर में मना कर चुकी थी। नहीं अब्बा जी, मेरा वो मतलब नहीं था जो आप लोग समझ रहे हैं। मैं कहना चाह रही थी कि जैसे आप लोग मुझे देखने आए हैं, मुझसे मिलने आए हैं, मैं भी वैसे ही आपके बेटे से मिलना चाहती हूँ। कोई भी फैसला करने से पहले जरूरी है ना। और याद है अब्बा जी, मैंने आपसे कहा भी तो था, बोला था आपसे। हाँ बेटा, हाँ याद है मुझे, याद। अरे बेटा, 100 दफा मिलो, तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे आ जाओ। शुक्रिया। बस मैं ये नहीं चाहती कि आप लोग मेरी बात का कोई भी गलत मतलब निकालें, लेकिन एक दफा शादी से पहले जरूरी है ना कि हम एक दूसरे को समझ लें। क्या पता वो ही मुझे पसंद ना करें तो फिर। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम ठीक कह रही हो। तुम जैसे कहोगी हम वैसे कर लेंगे। बेटा, तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो वैसे भी ये हुक्म है कि बेटियों से उनकी शादी की रजा पूछ लेनी चाहिए। बस तो ठीक है, यही मुनासिब रहेगा। हाँ, ये मैं चाय का जरा देख कर आती हूँ। खुद समझ आ भी रहा है तुम्हें या नहीं आ रहा? नहीं यार, खुल के बताओ ना। देखो, नाम क्या है इसका? नासिर। नासिर, सबसे पहले तो तुम्हें ये पता करना है कि नासिर के पास पैसा कितना है, फिर नासिर का मकान, नासिर की दुकान और उसका तमाम पैसा तुमने अपने नाम कराने की शर्त रख देनी है। सिंपल। यार लेकिन दुकान तो नाम कर दी है उसने, मकान मांगूंगी कर देगा? अरे ये तो तुम्हारा गोल्डन चांस है, ऐसी डील करने का मौका लड़कियों को तो मिलता ही नहीं है। थोड़ी सियासत करो और ये सब कुछ तुम अपनी भाभी से करवाओ। पता है इससे फायदा क्या होगा? अगर कल को कुछ गलत हो भी गया तो तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा। कैसा? पता नहीं यार, भाभी से बात करना जरूरी है क्या? हाँ, ऑफ कोर्स जरूरी है। ये लड़का तुम्हारे लिए लॉटरी का टिकट है, और अगर इस लॉटरी के टिकट को तुमने अपने हाथों से फाड़ के फेंका ना तो चमाट खाओगी तुम मुझसे। मसला सिर्फ इतना है कि वो मैंने इस रिश्ते वाले मामले में वैसी भाभी को इतनी सुना दी थी। अब अच्छा लगेगा? मैं किस मुंह से जाऊं उनके पास, ऐसी ख्वाहिशें करती रहूं? मेरी जान, मोहब्बत में, जंग में और चोरी चकारी में सब कुछ जायज होता है। अब देख लो, तुम्हें मेरी बात माननी है तो मानो, वरना मर्जी है तुम्हारी। माननी तो है, मुश्किल है बस थोड़ा। भाभी को मनाना नहीं, वो मेरी चुटकियों का खेल। बात करना मुझे पता है तुम कर लोगी। कुछ खाओगी? हाँ यार, कुछ अच्छा सा खिला दो। चाय? कुछ खाने का भी लेके आना साथ। हाँ। अरे बस कर दे नासिर, बस कर दे। तू तो उसके पीछे ना बिल्कुल ही दीवाना हो गया। मैं क्या हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ हूँ तुम्हारी, सब समझती हूँ मैं कि कितना पसंद करता है उसे। अरे जब ही तो उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हम लोग। ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने, सिर्फ मिलने के लिए बुलाया है। कब जाने मिलने? तो ऐसा कर बेटा, जाकर ना उनके घर के बाहर बैठ जा, जब बुलाएंगे तो अंदर चले जाना। अच्छा माँ, अब तू भी ताने देगी। अरे बेटा ताने नहीं मार रही, तुझे क्या पता मैं कितनी खुश हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मेरी तो दुआ कबूल हो गई। तू बहुत जल्द दूल्हा बनेगा और मैं बहुत जल्द तेरे बच्चों की दादी बनूंगी। अम्मा ब्रेक लगाएं, इतने आगे की ना सोचें। अभी तो सिर्फ बात हुई है, सिर्फ मिलने के लिए बुलाया। हाँ हाँ मिलने मिलने। अरे मेरा बेटा करोड़ों में एक है, बहुत खुशकिस्मत होगी वो लड़की जो मेरे बेटे की दुल्हन बनेगी। नासिर यहाँ बैठा है, दुकान पे नहीं गया? अस्सलाम वालेकुम बाबा, वो दुकान खुलवा दी थी, अम्मा से जरा बात करने आया था। अम्मा की बड़ी याद आ रही है आजकल तुझे। आपका बेटा उस लड़की के पीछे दीवाना हो रहा है, मिलने का कह रहा है। अब्बा वो अम्मा को सिर्फ कहना था कि अगर उनके कोई मुतालबे हो तो मान जाए, मैंने चीजों का क्या करना। अरे कलेजा निकाल कर दे दें क्या? सबर कर जा बेटा, तू मिलकर आएगा तो पता चलेगा ना हमें भी कि उन्हें अपनी बेटी के लिए क्या चाहिए, घर चाहिए कि पैसा चाहिए। देख बेटा, देखभाल के, सोच समझ के, ये सारी जिंदगी के फैसले होते हैं। अम्मा मैं चलता हूँ, आप जुबैदा भाभी से पूछ लीजिएगा कब आना है। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज़ अब्बा। अल्लाह हाफिज़ बेटा, जीता रहे जीता रहे। भाभी तुमसे बात करनी थी। सब खैरियत तो है? समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूं, सब ठीक तो है लेकिन तुम तो भाभी हो ना, तुमसे कर सकती हूँ मैं ये बात। क्या हुआ है नासिर के हवाले से कोई बात? बैठो तुम। देखो भाभी, मुझे पता है तुम मेरा हमेशा बहुत अच्छा सोचते हो, तभी तो इतना अच्छा रिश्ता लेकर आई हो। लेकिन मुझे ना बस कुछ अजीब सा डर लग रहा है। निर्मा, इसमें डरने वाली क्या बात है? देखो नासिर अच्छा लड़का है, उसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम ना उनसे बोलो, लेकिन अपनी तरफ से बोलना। हाँ, मेरा नाम ना लेना, अच्छा थोड़ी लगेगा। वो दुकान और मकान ना दोनों मेरे नाम कर दे। क्या? दुकान भी और मकान भी? अरे क्या हो गया है, तुम तो बिल्कुल ही परेशान हो गई हो। अब देखो मेरी आगे की जिंदगी कैसी होगी ये भी तो सोचना है ना, और ऐसा थोड़ी है कि मैं उन्हें घर से निकाल दूंगी और घर बेच बाज के कहीं चली जाऊंगी, ऐसा कुछ थोड़ी है। अब मेरी शादी हो रही है नासिर से, तो खिदमतें ही तो करनी है मैंने उसकी। और शादी के बाद देखो 10 काम होते हैं करने वाले, वो भी तो मैंने ही करने हैं ना। ठीक है, अब लड़की होने के नाते तुम कोई ऐसी बात भी नहीं कर रही जो पूरी ना हो सके। मैं आजकल में मौका देके उनसे बात करती हूँ, लेकिन बस मेरा नाम ना लेना। अब देखो तुम ही रिश्ते की बात कर रही हो पहले दिन से, तो तुम ही बात कर लेना, फिक्र ना करो। साजिश करूं। अच्छा सुनो, जब सारी बात हो जाए ना तभी नासिर को बुलाना, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। हाँ हाँ जाहिर है, देख लेना। क्या ना करूं, दिल ने चाहा जो है उसको पाना तो है, आना तो है। निर्मा खैर से हो गई सारी बात। अभी अभी मंजूर भाई का तेरे अब्बा को फोन भी आ गया, अभी तो 2 मिनट पहले भाभी मुझसे कह रही थी कि बात होना बाकी है। अब और कौन सी बात, दुकान वाली बात तो मान ली उन्होंने। भाभी को कोई शक होगा तभी तो उन्होंने कहा है ना। अब कौन सी बात करनी है ज़ुबैदा ने? तूने तो नहीं कुछ कहा? जाके खुद ही क्यों नहीं पूछ लेती हो अपनी चहेती से? वैसे भी उसके मशवरे के बगैर तुम तो कुछ नहीं करती। देख निर्मा, ये जो इतनी गिरी हुई बात हमने की है ना कि दुकान वाली, सिर्फ तेरी वजह से। अंदाजा हो रहा है मुझे, जो तुम्हें लग रहा है ना वैसा कुछ भी नहीं है। ये दुकान नाम करने वाली शर्त मैंने नहीं रखी थी, भाभी ने रखी थी, क्योंकि भाभी को तो पता था कि मैं ऐसी नहीं मानने वाली हूँ। हाँ, वैसे भी तुम्हें तो पता है कि उनकी कितनी अच्छी रिश्तेदारी है नासिर से। हाँ, इस रिश्तेदारी जान पहचान में भला तो तेरा ही हो रहा है ना। और दूसरी बात सुन ले, ये जो मिलने मिलाने वाला ड्रामा है ना, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँ। क्यों? मैं क्यों ना मिलूं उससे? दुनिया के सामने तो नहीं मिल रही कि लोग देखें कि पता नहीं कौन से होटलों में बैठ के ये लड़की खाना खा रही है, पता नहीं कौन है, डेटे वेटे तो नहीं मारी ना। तुम लोगों के सामने मिलूंगी और मेरी शादी होने वाली है, मुझे भी तो पता चले कि लड़का कैसा है, पैसे वैसे खर्च करता है कि नहीं करता, सोच कैसी है, बात कैसे करता है, क्या बोलता है क्या नहीं बोलता। चुप कर, तौबा, सब समझती हूँ मैं, टालने के लिए बकवास कर रही है, सर खा गई मेरा। मैं टाल नहीं रही हूँ, कभी आंखें बंद करके कचरा फेंका तुमने घर से बाहर? कचरा तो नहीं फेंकते, लड़की दे देंगे शादी के लिए। ये भी मान गया कमबख्त। हेलो हेलो, मेरी लखपति दोस्त, क्या हाल है? यार ये सारी बातें बंद कर, ख्याली प्लाओ है सब। वो नासिर को घर पे बुला रहे, मेरे सारे घर वाले नासिर को बुला रहे हैं यहाँ पे रिश्ता पक्का करने के लिए। तो तुमने मकान की बात की या नहीं की? हाँ वो मैंने की तो थी ज़ुबैदा भाभी से, लेकिन देखो इस वक्त ज़ुबैदा भाभी के अलावा तुम्हारे और कोई काम नहीं आ सकता। तुम मेरी बात मानो या तुम मेरी बात ना मानो। उनके हाथ से भी ना सारा मामला निकल गया है, तो अब कुछ नहीं हो सकता, वो नहीं करने वाली कुछ। पागल, तो तुम उन्हें यही क्यों नहीं कहती कि तुम इससे कहीं बाहर मिलना चाहती हो? क्या हो गया? खैरियत वैरियत है? घर में मिलने नहीं दे रहे, और मैं बाहर का कहूंगी तो वो बोलेंगे हाँ बेटा जाओ 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 मिलो। हाँ तो यही तो मैं कह रही हूँ, देखो घर पे मिलना तो मुश्किल है, बाहर मिलना तो बहुत आसान है। और जब तुम इस लड़के से मिलोगी तो मकान की बात तुम खुद कर लेना। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि पैसे के मामले में तो कभी अपने घर वालों पे भी भरोसा मत करना। हाँ कह तो ठीक रही है यार। और भाभी को तुम तब तक कहो कि इसे रोक कर रखें, सिंपल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ आ गई मुझे सारी बातें। अब ना मैं तुझे थोड़ी देर बाद फोन करूंगी, अभी मुझे जाना है, अम्मी बड़ी जल्दबाजी में गई है। ठीक है ठीक है, खुदा, हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। बात तो कोई नहीं है अम्मा, बस मैं चाह रही थी रस्म होने से पहले एक बार मिल आऊं, बात कर रहा हूँ। क्यों, तुझे कोई शक है भला? नहीं नहीं, शक कैसा होगा अम्मा, बस देखना चाहती हूँ कि दुकान तो उन्होंने हमारे नाम कर दी है, लेकिन दिल से किया है या नहीं, सिर्फ इसलिए। से हद हो गई, पता नहीं कैसा जमाना निकला है, माँ बाप की बात पे तो यकीन ही नहीं है, है? अजीब फैशन है। ठीक है तू जाके बात करा, मिला। वैसे मंजूर भाई ने अकबर से खुद फोन पे बात की, तू भी फोन पे बात कर ले, क्या आप जाएगी आएगी? जी चल ले आ, मुझे दे दो, पकड़, तय करके रखियो। जी भाभी, भाभी एक सेकंड। क्या हो गया, सब खैर तो है? भाभी तुम इधर आओ ना, बैठो। मैं चाहती हूँ कि तुम ना नासिर से बोल दो कि वो मुझसे कहीं बाहर मिले। बाहर? हाँ देखो मैं घर में उससे बात करूंगी तो अम्मा के 24 घंटे दरवाजे पर कान लगे रहेंगे कि मैंने क्या बोला, उसने क्या बोला, क्या बात हुई क्या नहीं हुई। तो देखो अब ऐसे तो नहीं मुझसे बात हो सकती ना। और तुमने बोला था ना कि वो मुझसे इश्क करता है, तो कितना इश्क करता है पता तो चले। मैंने तो सुना है कि इश्क में सब कुर्बान कर देते हैं, वो कितनी कुर्बानियां दे सकता है मुझे भी तो जरा पता चले, एतबार तो हो। लेकिन अम्मा को जल्दी है, वो चाहती है कि मैं उन्हें बुला लूँ, मैं फोन पे बात कर लेती हूँ। बुलवा ले, कोई मसला नहीं है, थोड़ी सी तो बात है, मैं कर लूंगी। और बस अब ना भाभी, मैं चाह रही हूँ कि मेरे दिल से ये मैल ना जल्दी से साफ हो जाए। मैं तो फोन पे बात कर लूँ ना, कहीं बाहर मिलना अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप एक काम करें, उन्हें मना कर दो, क्योंकि मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलत है, सब बकवास मेरी बात में याद आता है। अरे रे, मेरी बात छोड़ो भाभी, क्या हो गया तुम्हें, इतना गुस्सा करती हो? घर वालों को जल्दी है, वो लोग उन्हें फौरन बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं बात करती हूँ। तुम उन्हें मना कर दो, क्योंकि मैं नहीं करूंगी उससे शादी। और अब अगर उस नासिर के बच्चे ने घर में घुसने की कोशिश की ना, तो मैं धक्के देके बाहर निकाल दूंगी उसे। निर्मा मेरी छोड़े, मैं कर रही हूँ भाई फोन। उधर जाके डब्बे रखना। अस्सलामुअलैकुम ज़ुबैदा बाजी। वालेकुम अस्सलाम। नासिर कैसे हो? बस क्या बताऊं, सारा वक्त फोन सामने निकाल के बैठा रहता हूँ, न जाने कब लड्डुओं वाली कॉल आएगी। बस समझो लड्डू वाली कॉल आ गई। सच? अब सब मान गए? क्या तुम निर्मा से मिलना चाहते हो? उसके लिए तो हर वक्त तैयार हूँ, लेकिन न जाने क्यों अजीब सा डर है दिल में, ऐसे कि जैसे बगैर पढ़े हुए पर्चा नहीं देने चले जाते। भाई बात यह है कि वो तुमसे घर पे नहीं मिलना चाहती, कहीं बाहर मिलना चाहती है। तो फिर किधर? अकबर चाचा का अभी फोन आया था, मिलने के लिए बुलाया उन्होंने। क्या बुला लिया? अरे भी निर्मा तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी, वो अकेले में कुछ कहना चाह रही थी, और आज ही अगर बात हो जाए या कहीं बाहर मुलाकात हो जाए। सॉरी भाभी, वो जहाँ कहेगी दुनिया में मिलने के लिए मैं 1 घंटा पहले पहुंच जाऊंगा। लेकिन सब खैरियत है ना? खैर ही है, सिवाय निर्मा के सब राजी हैं इस रिश्ते से। वो नहीं मानी? अरे बात मानने की नहीं है, उसके दिल में कुछ वसवसे हैं, कुछ डर है, जो वो तुमसे बात करना चाह रही थी। लेकिन खैर अब तो वक्त ही नहीं है, अब तो तुम्हें बुला ही लिया है, तो तुम आ जाओ। हाँ मैं आता हूँ अभी, अल्लाह हाफ़िज़। छोटे, मेरी वेस्टकोट ला, और हाँ जरा दुकान का ख्याल रख। सरकार जल्दी आइएगा। भाभी बता रही थी आप मुझसे इश्क करते हैं। अब्बा धोखा हो रहा है हमारे साथ। क्या मतलब? आपके बेटे ने मेरे साथ 15 लाख रुपए हक मेहर का वादा किया। झूठी थी मैं, झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। औलाद तो सबको बहुत प्यारी होती है, इसी तरह मेरी बेटी भी बहुत प्यारी है मुझे, बस उसका ख्याल रखना। अम्मा जी आप बेफिक्र हैं, आपको जिंदगी भर शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं बात कर लूं? हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं भाई, जिंदगी तुम दोनों ने एक साथ गुजारनी है तो जरूर पहले ही सब बातें हो जाए तो अच्छा है। हाँ आप खड़े क्यों हैं, बैठे ना। आप चाय में चीनी कितनी लेंगे? वैसे आपको देखकर लगता नहीं है आपको चीनी लेनी चाहिए। नहीं, मेरा मतलब है कि आजकल दिल की बीमारियां कभी भी किसी को भी कहीं भी हो जाती हैं। तो चीनी? नहीं, मैं चाय चीनी के बगैर पीता हूँ, आप फीकी दे दें। जी अच्छा, चलिए चाय। शुक्रिया। भाभी बता रही थी आप मुझसे इश्क करते हैं। कभी मौका नहीं मिला कहने का, लेकिन आपके दिल में जो भी वसवसे हैं प्लीज मेरे से खुल के बात करें। बस एक बात है, मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करती। करनी भी नहीं चाहिए। अम्मा है ना, अम्मा कहती है कि मैं घर का कोई काम ही नहीं करती। मेरा ख्याल है कि अब आप खुद बताएं, ऐसे मासूम छोटे छोटे हाथों से मैं घर के काम करती हुई अच्छी लगूंगी भला? आपको काम करवाने थोड़ी लेके जा रहा हूँ। वैसे के हाथ बड़े खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। आप भी सोच रहे होंगे कैसी आजाद ख्याल लड़की है। शादी से पहले मुलाकात का भी बोल दिया, मुलाकात हो भी गई और अब बातें हो रही हैं। मैंने गलती से अम्मा पापा को बात करते हुए सुन लिया, तो वो बात कर रहे थे कि नासिर को दुकान के साथ साथ मकान भी निर्मा के नाम कर देना चाहिए। घर असल में अम्मा के नाम पे है। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो वास्ता ही नहीं इन सारी चीजों से। लेकिन अम्मा अब्बा है ना, परेशान होते हैं अपनी औलाद के लिए। और वैसे भी आप जरा उम्र में बड़े हैं ना मुझसे, तो उनका ख्याल था कि अगर कल को शादी के बाद कोई ऊंच नीच हो भी जाती है तो हमारी औलाद के पास, हमारी लड़की के पास अपना जाते भी तो कुछ होगा ना। नर्मा जी आप बेफिक्र हैं, घर आपके नाम ही होगा। शादी के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे तो कोई फिक्र नहीं है इन चीजों, लेकिन बस अम्मा अब्बा हैं वो फिक्र करते हैं। आप देख लीजिएगा, मैं नहीं चाहती कि शादी के वक्त कोई मसला हो जाए। निर्मा जी मोहब्बत की है और इरादा भी, मुकरूंगा नहीं। साजिश करूं, तो आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? साजिश करूं, झूठ कहूं, तो आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? आप कहें तो आपके लिए आसमान से सितारे तोड़ना। चांद तारे तोड़ने की तो बात हर कोई करता है, लेकिन लाता कोई नहीं है। अम्मा हक महर के बारे में समझा रही थी, कह रही थी हक महर लड़की का हक होता है, तो बस 15 लाख रुपए लिखवा देंगे हक महर। 15 लाख कुछ ज्यादा नहीं? तो आप कह रहे थे कि चांद तारे तोड़ लाएंगे। नहीं, मुझे पता था। नहीं निर्मा जी, आपको खूबसूरत आंखों पे, आपको नाराज थोड़ी कर सकता हूँ। बस इसको मौजल और गैर मौजल में तोड़ लें। आपको जैसा मुनासिब लगे, जैसा आपको ठीक लगे, बस वैसा ही कीजिएगा। यही 1-2 बातें थी मेरे घर वालों की जो मैंने आपको बता दी हैं। अब आप देख लीजिएगा, वरना आजकल लड़की के हक के बारे में बात ही कौन करता है। मतलब निकाह नामे पर भी तलाक वाला कॉलम और सारे हकूक वाला कॉलम काट दिया जाता है। नर्मा जी आप बेफिक्र हैं, आपका हक कोई नहीं मारेगा। शरीयत के मुताबिक जितने हकूक हैं सब आपको मिलेंगे। दिल ने शुक्रिया। उसको पाना तो है, आना तो है। खुदा जाने अंदर क्या बातें कर रही होगी। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। निर्मा हमारा भरम जरूर रखेगी। हाँ आप फिरेंगे तो नहीं ना अपनी बातों से। बस जो भी आपको बातें बोली हैं वो निकाह तक पूरी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती ना कि हमारी शादी में कोई भी मसला हो। मेरी एक छोटी सी शर्त है। शर्त नहीं, मिन्नत समझिए। मैं जहां रहूं मेरे साथ रहिएगा। जी। और मुझे भी आप पसंद आए। जो है उसको पाना तो है, आना तो है। अरे बेटा तुमने तो कुछ खाया पिया भी नहीं? नहीं अम्मा जी, बस चाय पी ली थी। खुश रहो। हाँ आप नरमा से एक दफा बात कर लीजिएगा, कोई अगर सवाल जवाब। अरे मैं तुमसे आराम से फोन पे बाद में बात करूंगी। जुबैदा को सलाम कहना बहुत। आज जीते रहो। लगता है बात हो गई है, कोई ना कोई मुझसे पूछते। अच्छा तो क्या रहा सब, बता जरा। नासिर ने कुछ बोला नहीं? नासिर से क्या पूछते हम, अच्छे लगेंगे उससे पूछते। बता मुझे, तारीख तय कर दे हम। क्या हो गया अम्मा, तुम्हें कोई भेड़ बकरी लग रही हूँ मैं? अभी तो बात करके आई हूँ, अभी कैसे जवाब दे दूँ इतनी जल्दी? तो क्या सालों लेगी जवाब देने में? जवाब मैंने नहीं, उस नासिर ने देना है। और तुम लोग बोल रहे थे ना कि मेरी ये शर्त, मेरी वो शर्त, मेरी कोई शर्तें नहीं है। उसने अपनी 100 शर्तें रख दी हैं मेरे सामने। नासिर ने शर्तें रखी क्या? जहेज बहेज? अरे अम्मा जहेज तो वो मांग रहा था, लेकिन मैंने साफ साफ उसके मुंह पे मना कर दिया कि नहीं भाई, मेरे अब्बा बड़े गरीब हैं, कोई पैसे वैसे कोई जहेज वहेज नहीं दे सकते। अरे उसने क्या कहा, कुछ बताओगी? कह रहा था कि रोज सुबह मैं फजर में उठता हूँ तो तुम्हें मुझसे पहले उठना पड़ेगा, रोज का यही। माँ बाप की खिदमतें करनी पड़ेंगी, रोज का यही। और पता नहीं 100 बातें क्या। अच्छा तो फिर आखिर बात कहाँ थमी जाके? वो जवाब देगा। लो वही तो बात है, फिर बीच में लटकी हो गया ना बात। अरे नहीं अम्मा ऐसी बात नहीं है। आपने देखा नहीं था नासिर को जाते हुए कितना खुश था वो? भाई मेरी बात सुन ले, वो इंसान है या भेड़िया, शादी तो उसी से करनी पड़ेगी। यहाँ तो बातें ही नहीं खत्म हो रही, करते जाओ बढ़ाते जाओ बातें, जो मर्जी करो। क्या हो गया है? उसकी शर्तों को नहीं देख रही हो तुम? अच्छा ना, अच्छा चुप कर। मुझे ये बताओ कि तुमने उससे बात की, तुम्हारे डर वसवसे खत्म हुए या नहीं? पता नहीं, शायद अब वो मना कर दे। क्या मतलब? उसने कहा है कि वो जवाब देगा? यार भाभी अभी अम्मा सुना के गई है, अब तुम सुना रही हो। मुझे सुकून का सांस लेने दोगे कि नहीं? कोई काम नहीं है तुम्हें? जाके काम करो ना। अच्छा 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 तुम सुकून से रहो, मैं बाद में बात करती हूँ। नासिर की भी सुनो, अम्मा की भी सुनो, तुम ही किसी की सुनते रहो बस। कर देगा मकान और दुकान, नाम तो कर लेंगे शादी। आदमिया मिला है उनसे, सब खैरियत तो है ना? जी अब्बा, आप कुछ डर थे उसके, लेकिन डर तो हर लड़की को होते हैं। अच्छा ये बताओ, उसने एतराज तो नहीं किया ना? नहीं माँ, एतराज किस चीज का? तो बस ठीक है यार, फिर बात आगे बढ़ाएं, अकबर भाई से बात करें। जी मतलब ये है बेटा कि अब उससे मिल आए हो, उसका घर बार भी देखा हो तुम? फैसला तुम्हारा है। मेरी तरफ से तो हाँ ही है। आप एक दफा निर्मा से जरूर पूछ लें, कहीं मिलने के बाद इरादा तो नहीं बदल लिया। तो ठीक है, मैं जुबिया को फोन करके पूछ लेती हूँ। नहीं अम्मा, आज ना करें, अभी अभी मिलके आए हूँ, लगेगा कि बहुत ही बेचैन हो रहा हूँ। आप कल कर लें। चलो ठीक है, कल कर लेते। अब आप मुझे इजाजत दें, मैं दुकान पे। बेटे जा, खैर से जा। चल जा मेरा बच्चा। जुबैदा, तू उससे जुबिया से फोन पे एक दफा बात जरूर कर लेना, देखने में बहुत खुश नजर आ रहा है। इस सदके जाऊं अपने बच्चे के, इतना खुश लग रहा है, और खुश भी क्यों ना हो, मिलके जो आया है। अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह बस, अल्लाह मियां आप सब ठीक कर दे, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। आपकी चाय, आपको भी चाय? नहीं नहीं, मेरे तो पहले सर में दर्द हो रही। जुबिया बेटा, उन्हें हाँ कर दो और तारीख ले लो। जी अब्बा जी, लेकिन आपने निर्मा से पूछ लिया? वो सब हो चुका है, बस अब शादी की तैयारियां करो भाई। जी बेहतर। ऐसा करते हैं, हम कल ही उनकी तरफ मिठाई लेकर जाते हैं और तारीख ले लेते हैं। आपको चाय बना दो। हाँ। यार मतलब मैंने उससे इतनी बातें बोली, ता सब कुछ कहा, लेकिन उसने हर चीज पर हाँ कहा। और उसके बावजूद भी तुम इतनी उल्टी पुल्टी शर्तें उसके सामने रख के आई हो। तो वो तो मैं चाह रही थी कि वो फुट जाए, लेकिन वो नहीं गया। और खुदा की कसम, उसकी जगह कोई भी होता ना, कोई भी, वो मेरी बातें सुनकर उठ के चला जाता, लेकिन वो ना हिला। वो मान गया मेरी सारी बातें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ये सोच रहा हो कि जरा एक दफा शादी होने तो दो, शादी हो जाएगी तो फिर घर आ जाएगी, तो फिर वो अपनी मर्जियां करेगा। हाँ, वैसे हर बात पे हाँ हाँ कहने वाले आदमी होते तो खतरनाक हैं। वही तो मैं यही सोच रही थी कि वो इतनी बार बार जो हाँ कह रहे, कोई तो गड़बड़ है। मतलब ना तो था ही नहीं उसकी किताब में। और देखो, एक दस्तखत करने पे उसने कितना कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। वैसे ये सब कुछ जो तुम्हें मिलने वाला है, ये कुल मिला के कितनी अमीर होने वाली है मेरी दोस्त। यार क्या हो गया है, छोड़ो अभी ये सारी बातें, जब लगेगा नाम तब सोचेंगे, देखेंगे कि क्या है, कितना है, कितना नहीं है। अभी तो मैं ये सब सोच सोच के पागल हुई जा रही हूँ। ऐसे पता है, मुझे नहीं लग रहा कि वो अपना घर मेरे नाम करेगा। कह रहा था उसकी अम्मा के नाम है। तो ससुराल जाती अपनी सास को जहर दे देना, और 40वें के बाद घर भी तुम्हारा। क्या हो गया है, कैसी बातें कर रही हो? मुझे वैसे इतना डर लग रहा है। तुम अजीब मरने मराने की बातें नहीं भाई, मैंने नहीं फंसना है। वैसे भी एक दफा निकाह हो गया तो तुम आओगी बचाने के लिए मुझे, कौन आएगा? बड़ा गेम है मेरी जान, रेस्ट तो लेना ही पड़ेगा। चाय पियो। अरे माशाल्लाह, सब अच्छा हो गया। बस ये दुआ करो कि हम दोनों खानदानों की आपस की मोहब्बत और इत्तेफाक कायम रहे। मंजूर मियाँ, एक बार फिर सोच लो, कहीं तकल्लुफ में मत रहना। अब क्या सोच लूं? मेरा मतलब है कि माजिद की शादी कर रहे हैं, सोचा कि निर्मा की शादी भी साथ ही कर। अरे मंजूर भाई, हमारी एक ही बच्ची है। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? जो दिल चाहे ना वैसा ही करें, हमें कोई एतराज नहीं। ये माजिद के ससुराल वालों ने 20 तारीख दिया। हाँ तो अच्छी बात है यार, इसी बहाने तुम्हारे घर में भी रौनक आ जाएगी और हमारे घर को भी चार चांद लग जाएंगे। इंशाल्लाह। अकबर इजाजत दे, हम चले। आइए जी। अच्छा आ जाएगा, फिक्र ना करें, बस लिस्ट बना रहा हूँ, देखते हैं ना। अरे भाई अहमद, तुम यहाँ बैठे हो, मार्केट जाना था भाई, जहेज का सामान तुम्हें लिख के दिया है ना? वो अब्बा, वो आपकी बेटी ने रोक रखा है, पूछे उसे बुला के क्यों। क्या रोकती है? पूछ लेते। निर्मा, निर्मा। जी अब्बा जी। इधर आओ बेटा। जी जी। अरे ये क्या सुन रहा हूँ मैं कि खाली हाथ जाओगी ससुराल तो बातें बनाएंगे लोग। हाँ अब्बा जी, मेरी ना नासिर से बात हुई थी तो मैं चाह रही थी कि आप मुझे जहेज ना दें, आप मुझे उसके बदले पैसे दें। पैसे? अरे पैसे नजर कहाँ आते हैं, आजकल लोग देखते भी हैं और पूछते भी हैं कि लड़की लाई क्या है साथ। भाई तुम ना पुराने जमाने की बात कर रहे हो जब शायद तुम्हारी शादी हुई थी। और वैसे भी अपा, मतलब मेरा सवाल है आजकल ये वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, फ्रिज, ये स्त्रियां, ये सब कुछ कौन देखता है? नासिर ने मुझे बताया कि उनके घर में पहले से मौजूद है ये सब कुछ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इस सब के बदले पैसे ले जाऊं और वही पैसे मैं उनके कारोबार में लगा दूं ताकि हमें पूरी जिंदगी के लिए फायदा हो। हाँ भाई ये ख्याल भी अच्छा है, अच्छा है। तो क्या कहा नासिर ने? मैंने बात की नासिर से, उन्हें तो ये बहुत अच्छा लगा मेरा ख्याल। उन्होंने कहा मतलब आजकल के जमाने में ऐसा सोचता ही कौन है। बस तो फिर ठीक है। हाँ भाई हजराब, इसके लिए जो सामान बना के रखा है तुमने इसके साथ रवाना कर देना, और जहेज के जो हमने पैसे रखे हैं वो हम इसके हवाले कर देंगे। क्यों नरमा? ठीक है। मैं जाऊँ जाओ। तो अच्छी बात है ना, हाँ है ना। कयामत ढा रही हो, बहुत ही प्यारी लग रही हो। आप जाकर अम्मा को बता देंगे कि मैं तैयार हूँ। क्या हुआ, इतनी प्यारी लग रही हो उसके बावजूद भी मुंह पे ऐसे 12 बजे में क्यों? यार मैं तो ये सोच रही हूँ कि जैसे हमने सोचा है अगर वैसा ना हुआ तो फिर क्या होगा। मैं तो ऐसे ही शादी में फंस जाऊंगी, वो भी इससे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो और परेशान मत हो। क्या होगा क्या नहीं होगा अभी पता चल ही जाएगा। निर्मा, तुम्हें भूख लगी है, कुछ खाओगी? नहीं अभी तक कुछ भी नहीं। मैं हाँ ठीक है। क्या हुआ, चाय पियोगी? कुछ ला दूं? नहीं कोई वक्त है चाय का, क्या तो गर्मी लग रही है। नासिर से मुलाकात हुई आपकी? हाँ जब बारात आई थी तभी मुलाकात हुई थी। कुछ कहा उसने आपसे? नहीं। कुछ दिया उसने आपको? उसके अम्मा अब्बा ने कोई बात की या कुछ दिया? नहीं निर्मा, क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? कुछ नहीं। निकाह के लिए आगे बढ़ो। आइए मौलवी साहब, यहाँ तशरीफ रखिए। जी बेटी निर्मा अकबर बिनते अकबर वहीद, आपका निकाह नासिर मंजूर वल्द मंजूर अली के साथ बेवस 5 लाख रुपए हक मेहर मुअज्जल करार पाया है। माजरत, जरा एक सेकंड दिखाइए। अब्बा धोखा हो रहा है हमारे साथ। क्या मतलब निर्मा बेटी? आपके बेटे ने मेरे साथ 15 लाख रुपए हक मेहर का वादा किया। आप जाकर कह दीजिए कि मुझे ये निकाह कबूल नहीं। थी मैं झूठी।